केंद्र व राज्य सरकार ने हर घर में नल में से जल पहुंचाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन विभाग व संवेदक द्वारा अपनी मनमानी रूप से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे चंदन क्यारी प्रखंड के पोलकिरी पंचायत के पोलकिरी में पानी टंकी और पाइपलाइन का काम किया जा रहा है, जिसमें संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करने पर पोलकारी पंचायत और माढ़ारा पंचायत के ग्रामीणों, जिसमें पंचायत समिति प्रतिनिधि भीम रजक, रोहिणी रवानी, आखन महतो, किशन सिंह, राजू सिंह, संजीत कुंभकार, पटल रजक, दिलीप कुंभकार, करण महाथा, बबलू सिंह, विनोद कुंभकार, नारायण सिंह एवं दोनों पंचायत के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से जमकर विरोध किया और कहा कि संवेदक ने घटिया बालू व गिट्टी एवं कम मात्रा में सीमेंट देने का विरोध किया है। संवेदक को कई बार बेहतर काम करने के लिए बोले हैं, लेकिन संवेदक दोनों पंचायत के ग्रामीणों की बात को मान नहीं रहे, जिससे आक्रोशित होकर विरोध किया है और कहा कि विभाग के इंजीनियर काम के साइट कभी आते ही नहीं, अगर ऐसे घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं तो जलापूर्ति योजना पूरी तरह सफल नहीं होगी। इससे पहले पंचायत के मुखिया रेखा देवी ने झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव, जिले के उपायुक्त, विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर जलापूर्ति योजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुधारने की मांग की है, लेकिन अभी तक गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे और वर्षों की तपस्या करने के पश्चात सरकार द्वारा पानी टंकी का निर्माण किया गया। हम लोग नदी और तालाब से पानी लेकर प्रतिदिन निजी कामों का प्रयोग करते हैं। भोजुरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। फिर संख्या में यहाँ ग्रामीण आए हुए हैं, कारण क्या है? कारण देखिए, करोड़ों रुपया का लागत से जो पानी टंकी जो बन रहा है, माढ़रा पलकोरी दोनों पंचायत का पानी का प्यास बुझाने का सरकार जो योजना दिया है, इसमें ग्रामीण में हम लोग आए हैं। इसका जो पानी टंकी जो बना है, जो बालू आप देख सकते हैं, ये बालू नहीं, ये मिट्टी है, और जो भी बना है पूरा टंकी, पूरा स्ट्रक्चर पूरा एकदम फ्रैक्चर हो गया है, उसका धस के गिर जा रहा है बालू के चलते, और गिट्टी भी है, गिट्टी भी पूरा डुप्लीकेट है। इसीलिए ग्रामीण हम लोग सब एक जगह सबको जगाए आए, उसके बाद बोले जो भाई बालू खराब है, गिट्टी खराब है, उसके लिए हम लोग आज विरोध किए। ये टंकी का जो निर्माण हुआ, ढलाई हुआ, क्या इसमें एक बार भी जेई साहब आए हैं? नहीं, हम लोग हम लोग नजर में तो नहीं आया, आया होगा तो हम लोग का नजर में कभी नहीं ना ठेकेदार साहब को देख पाए हम लोग, ना कभी जेई साहब को देख पाए, कभी नहीं। काम जो कौन करवा रहा है ये भी पता नहीं अभी तक। आखिर जो इस तरह से लंबी चौड़ी टंकी बनी हुई, इसका एक्चुअली हुआ है क्या इस पे? एक्चुअली इसका रद्दी काम हुआ है, रद्दी काम हुआ है, एकदम खत्म काम है। ये देखिए, जैसे पानी देख सकते हैं, इसमें पानी भर जाएगा ना, ये क्रैक हो जाएगा, कभी भी हो सकता है कि मिट्टी वालू है, सीमेंट भी सही ढंग से नहीं दे रहा है, इसका लुहा हुआ सही नहीं है, और बांस आप देख सकते हैं इस तरह सेंटिंग नहीं किया जाता है। जो भी इतना बड़ा लागत से टंकी बनता है, इसका लुहा पाइप से ही सेंटिंग किया जाता है, लेकिन ये सड़ा हुआ बांस लगाया है, इसलिए दब जाए। इसकी सूचना क्या उच्च अधिकारी को आप दिए हैं? नहीं, इसमें हम लोग नहीं दिए, इसके बाद हम लोग देंगे। अभी तक तो नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए, अभी तो आप ही का माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। अभी तक तो हम लोग इस सिलसिला में किसी को हम लोग अभी उतना ही नहीं किए हैं, इसके आगे हम लोग सूचना करेंगे करेंगे, यहाँ डीसी महोदय के पास भी जाएंगे, वीडियो साहब के पास भी जाएंगे, वीडियो साहब को भी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, डीसी साहब को बताएंगे कि यहाँ का एमएलए जो हमको भी बोलेंगे हम लोग। अभी जो काम यहाँ निर्माण जो है प्रगति पे है कि अभी बंद है काम? यहाँ अभी प्रगति में चल रहा था, अभी अभी हम लोग आके इसको बंद किए अभी। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से मांग यही करते हैं, जो काम अच्छा से हो, और इस पानी टंकी में अब 10 गांव का पानी जाएगा और अच्छा से बनेगा तो हम लोग का जो सही ग्रामीण का उपयोग होगा, और अगर सही नहीं बनेगा तो ये योजना ही बेकार है, करोड़ रुपया का सरकार का पैसा ही बर्बाद है। देखा, आपके पंचायत के लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं पलकोरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भूमराज बोल रहा हूँ। काम के जांच, जल मीनार के जांच करने पर पता चला कि बालू, गिट्टी, सीमेंट सब रद्दी के काम हो रहा है, सीमेंट भी बढ़िया नहीं दिया गया है, और जल मीनार क्रैक हो गया है। आम जनताओं का कहना है कि इस जल मीनार को बढ़िया से ठीक ढंग से बनाया जाए, और आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आगे जिला प्रशासन को सूचित किया जाए, नहीं तो आगे चल के हम लोग आंदोलन करने के बाध्य हो जाऊँगा। आप एक पंचायत समिति है, आपके कंधे पे काफी भार है, इसकी सूचना क्या आप किसी को अपने लेटर पेट के माध्यम से दिए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं।
तो क्या किस तरह सोचे हैं कि गांव को किस तरह भलाई करना है? जिस तरह से अभी टंकी में यहां के लोग बताया जा रहा कि बहुत गलत ढंग से यहां का टंकी का निर्माण हुआ, इसे आगे क्या सोचे हैं, किस तरह से बचाइएगा गांव को? अपने लेटर के पेज के माध्यम से लिखूंगा जिला प्रशासन को, आप लोग के माध्यम से भी सूचित करूंगा, डीसी माध्यम को, वीडियो को, जो भी हो आगे प्रशासन उन लोगों को सूचित करेंगे, पूरा गांव के जनता को लेके सूचित करूंगा, जो भी कार्रवाई होगा पूरा जनता को लेके आगे इसके कार्रवाई के हेतु प्रशासन कोशिश करूंगा जरूर। टंकी निर्माण में एक बार भी जेई साहब आए हैं? आज तक तो जेई साहब ने देखे ना इंजीनियर देखे, ये सब काम के लिए दलाल के माध्यम से हो रहा है, अभी तक तो बोर्ड नहीं लगा हुआ, अभी इसका शिलापट भी नहीं बना, शिलापट नहीं बना हुआ, कितना एस्टीमेट है, क्या टारगेट है, कैसा एस्टीमेट है, क्या मिलाना है, उस तक आज तक टारगेट नहीं किया गया है। हाँ तो बालू नहीं, सीमेंट नहीं, सब मिट्टी का भाग ज्यादा है, सीमेंट का भाग भी मिला नहीं गया है। अरे बालू है या नहीं है? बालू तो है ही नहीं, सीमेंट भी नहीं, मिट्टी नहीं, इसीलिए करेक हो गया है। आगे चल के आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको सूचित मैंने ठीक ढंग से काम कराया जाए, नहीं तो आगे हम लोग जांच करने का आदेश देता और आगे चल के हम लोग रुग्र आंदोलन करेंगे, बात हो जाएगा करने के लिए, यहाँ हम लोग धरना भी देंगे, अगर धरना भी देंगे, बालू चलानों का धरना है, इसका बिना टपन का बालू है, और बोर्ड भी नहीं लगाया, बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे, जो भी बोर्ड है यहाँ का जैसा कितना का जैसा भी नहीं आता है, ये नहीं है, कब किस समय आता है नहीं आता है, देखवे नहीं किया कोई, कभी कभी आई नहीं करता, मतलब हम लोग कोई ठेकेदार साहब को देखे हुए हैं ना, जेई साहब को देखे हुए हैं, कौन जो यहाँ काम करवा रहा है किसी को पता नहीं, कौन काम कर रहा है, माध्यम से आम ग्रामीणों की समस्या प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे ये जो लंका का कोठरी पंचायत में, माडरा पंचायत, कोठरी पंचायत में जल नल योजना के तहत एक टंकी की व्यवस्था की जा रही है, बन रही है, वो टंकी एकदम रद्दी बन रही है, बहुत सारे टंकी हमारे सरकार तो खर्चा तो इस मद में करती है लेकिन सही से देख रेख करके इसमें काम नहीं कराती है, बहुत सारा टंकी एक दो साल पाँच साल चलने के बाद ख़राब हुआ है। हमको लग रहा है कि पलकरी पंचायत वाला टंकी जो है ये पानी सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, एको साल नहीं चलेगा, इतना रद्दी काम हो रहा है, और इसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है वो भी इसमें ध्यान नहीं बटा रहे हैं, कारण क्या जाने उन लोग का क्या तालमेल है ठेकेदार से, वो आगे नहीं आ रहे हैं, तो आम जनताओं का मांग है कि इस टंकी को प्रशासन विशेष ध्यान देकर इसकी जांच कराए, देखे वो सही बालू और गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो सीमेंट का भी सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आम जनताओं का मांग है इसमें जाँच बैठा कर इसमें काम को सही ढंग से कराने का कृपा प्रदान करें। क्या नाम है सर, शुभ नाम? मेरा नाम रेहनी रेवानी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।